अब हम काटते हैं इसका कॉलर। कॉलर हमारा इसका 15.5, हमको ये पैटर्न रखना है। पहले पहले हाफ कॉलर काटना है इसका। ये पैटर्न में हम मार्क लगा देते हैं। भाई ये 15 हमारा कॉलर है, हमको जो 1 इंच एक्स्ट्रा काटना है। 15 16 प्लस 16 16 का हमें ये मार्क लगा देना है। और ये मार्क पे हमको ये इधर पैटर्न रख देना है। ये हमको तो पूरा निकाल देंगे सेम से। ये हमारा कॉलर का मार्क लग चुका है। वो कॉलर थोड़ा पतला काटना है तो हम यहाँ से ये पतला कर देते हैं। कॉलर का हमको इसी मार्क पर ही काट देना। से पहले हमको एक मार्क लगा देना कि हमारी बुकरम खराब नहीं हो। ये पहले हमको अपनी बुकरम निकाल लेनी है। ये गोलाई हमको सेम से निकाल देनी है। ये हमको ऊपर वाले मार्क को काट देना है। आइए हम इसे चिपकाते हैं। देख सकते हैं हमारा कॉलर कट चुका है। आइए हम इसे कॉलर को चिपकाते हैं। सीधे कपड़े पर चिपकाएं। ये देखना हमारा कपड़ा सीधा है। ये इस पर चिपकाएंगे। इतना देखना हमारे में कॉलर ही आ रहा है। हमारा हमारा कॉलर का कपड़ा आ गया। इसका दबाव हम नीचे 2 सूत एक्स्ट्रा काट हमें 2 सूत एक्स्ट्रा काट देना है नीचे। ऐसे हमें ऊपर ये ऊपर थोड़ा ज्यादा काट लेना है। ये लगता है इतने कलर में हमारा इसी कपड़े में हमारा नीचे का कलर आ जाएगा। ये कपड़ा हमारा नीचे के कलर के लिए है। अब हमको उसके कप काटने कप का हमारा पैटर्न ये हमने कप काटे हैं। कप को हमारा पैटर्न पैटर्न रखकर हमने कप काटे हैं। कप के कितने हमारे कप पौने इंच के तैयार है। वही तो बात है। ये चार पट्टियां आती हैं। ये हमारा सामने का ताबीज है। ताबीज है हमको ये इसमें इससे मिलाकर दे बना देनी है। ये देख सकते हैं हमारी ये दे बन गई है। तो हमको इसमें चेन भी लगानी है। हमारी चेन है तो डिजाइन बनाना है कुर्ते में। हम ये पेशनी चिपकाते हैं। पहले कप कोला है वो ताबीज चिपकाते हैं। ये देख सकते हैं इसमें हमारी चार पट्टी आ जाएगी। पहले हम इसकी चारपट्टी से पाते हैं। हमारी जो पहले इसका जो कचरा है कचरा कचरा साफ कर लेना है। कचरा साफ कर लेना है। इसपे छुपा देना है। ऐसे हमको इधर छुपा देना है। वो ये कपड़ा है काट देना है। अभी इसे सब मशीन से पक्का करेंगे। कच्चे छुपा रहा है हमको ऐसे ये कप छिपाने हैं। फिर हमको कप छिपा देना है। हमको अच्छा कपड़ा काटना है। इसमें नीचे का कपड़ा आपका कपड़ा भी आएगा। ये हमारा इसमें नीचे का कपड़ा भी आ जाएगा फोल्ड करने के लिए। ये सीट कप हमें इधर चिपकाने हैं। हमको ऊपर आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा काटना है। हमारे कपड़े छिपाते हैं सामने का इसका जरजूर ताबीज। हमारे सामने का ताबीज आ चुका है। यहाँ तक हमको 12.5 इंच तैयार चाहिए जी तक। ये हमारे सामने का ताबीज आ गया। तो हमको थोड़ा कपड़े एक्स्ट्रा काटना फोल्ड करने के लिए।
तो हम ये बोलर का हमारे कट चुके हैं, तो हम इसे मशीन से पक्का करते हैं। ये सब हमको इस मशीन में चिपकाना है। ये आ गया, हम इसको चिपकाते हैं। अब हम इसको गोंद लगाकर पोल कर देते हैं। हो चुका है कोलर, हो चुका है रेडी। ये हमारे सामने का ताबीज है। हमको इसमें ये गोंद लगाना है, इधर और इधर लगाना है। इसको बुकरम के बराबर से बिल्कुल फोल्ड कर देना। और हमारी नीचे चोंच है, चोंच से हमको 2 इंच ऊपर कपड़ा से काट देना है, यहाँ से ये कपड़ा काट देना है। और यहाँ से हमको थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट के ये अंदर फोल्ड करना है। यहाँ से फोल्ड कर देना है। ये हमको इसके बराबर से फोल्ड कर देना है। ना हमको थोड़ा थोड़ा कपड़ा से काट देंगे, धागे निकलना है। यही इसके अंदर फोल्ड कर देना है कपड़ा। हमारे आ गया, हमको ऐसी सेम की तरह चाक पट्टी फोल्ड करनी है। पहले यहाँ से बराबर काट देना है, जैसे हमने ये यहाँ से 2 इंची कम काटा है, ये हमको 1/2 इंची कम काट देना है कपड़े इधर का। हमारा 1/2 इंची है, 1/2 इंची ये कपड़ा इधर कम काट देना है। ठीक है, तो हम उससे पहले पोल काटते हैं। ये हमको ऐसी मोड़ रहा है। सेम हमको बिल्कुल सेम को भी ये मॉडल इसकी। दोनों सब कुछ हमारी मुड़ चुके हैं। ये कॉलर आ चुका है, ये ताबीज है, ये कप है। कप को भी हमको दो भूकंप बराबर इसमें मोड़ना है। हमारे कफ आ चुके हैं, अब मोड़ना हमको इसका बटन टॉप। बटन टॉप को काटना हमको 1 इंची चौड़ा काटना है। ये हमारा बटन टका चुका है, हमारा बटन टका चुका है। अब काटते हैं हम इसकी साइड की जेब, चाक पर चाक की जेब। तो चाक की जेब हमको काटनी है, 21 इंच लंबी काटनी है और 7.5 इंच की चौड़ी काटनी है। तो हमको पहले ये मार्क लगा लेना है। से मार्ग फीका कर लेना है, 7.5 इंच साढ़े सात, 7.5 इंच
सीधा कर लेना है। और 21 इंच लंबी, और यहाँ 21 इंच मार्क पर कटिंग कर देनी है। लेना यह पॉकेट आ चुके हैं सर। यहाँ से हमको 6.5 इंच की फोल्ड करनी है, 6.5 इंच देखते हैं। ये 6.5 की है मेरी, इधर थोड़ी सी मेरी, हमारी 6.5 इंच की है। और अच्छा भाई हमको हल्का से एक मार्क इधर लगा देना है, इधर लगा देना है, और इसमें हमको 2 हिस्से कर लेने हैं। दूसरी तरफ लगा देनी है, इससे हमारी बांध बन जाए। वहीं से हमारे 6.5 हमारे यहाँ फोल्ड है, ये हमको यहाँ मार्क लगा लेना है। यहाँ से हमको ये गोलाई में निकालनी है, थोड़ा डिजाइन में मोड़े। ये हो गई हमारी, यहाँ से हमको ये क्रॉस कर देनी है ऊपर। हमको इसमें इस डिजाइन में ये ताकि जेब काटनी है। ये चीज हमको हटाने वाले हैं। जब देखते हो चाकू जब आवाई है, चाकू जब आवाई हम निकालते हैं हम सामना, हमारी ये 6.5 इंच तैयार आ जाएगी। देखते हैं जो हमारा ये ऊपर से हमको 7 इंच का मार्क लगाना है। यहाँ से हमको चोड़िया बनाएंगे इसके 7 इंची, और दूसरा मार्क हमको 7 इंची पे बनाना लगाना, दूसरे भी 6 इंची की हमको जेब बनाएंगे। और यहाँ से 2.5 इंच हटा के दामन फोल्ड करना है, तो हमको ये मार्क लगा देना सब तरफ। ये हमारा जेब की चोड़िया बनाएंगे, हमको पूरा पूरा दामन ऐसे बनाना है। से पहले हमको ये सारे धागे काट लेने हैं। अब हम उसका सामना निकाल लेना है। ये हमारी बैग हो गई, सामने में हम चेन लगा के थोड़ी डिजाइन में बनाते हैं। हमको चेन भी इसमें ऐसे लगानी है, ऐसे ऐसे बी शेप में हमको एक मार्क पर इसे यहाँ लगा देना है, ऐसा लगा देना है। हमें चिपका लगा देते हैं, इसका हमें पता रहे दोनों तरफ लगानी है। एक आदमी सील कर देते हैं, ऐसे हम ये इधर लगा देते हैं। हमारा मार्क का ये है, इस मार्क को हम ये इस मार्क को लगा देते हैं, कभी का पलटते हैं, ये देखते हैं। हमको हाफ चेन इधर लगानी है, हाफ चेन को ये इधर लगानी लगानी है। तो हम इस पे पहले पेस्टिंग चिपकाएंगे, इसी हिसाब से ये देखते हैं हमारी पेस्टिंग है। हमने करीब 300 चौड़ी पेस्टिंग काट के रखी है, हमको ये ऐसे चिपकानी है, ऐसे हमको ये इधर चिपकानी है। इसमें कितना बीच में गैप देना है जितना हमारी ये चैन फिक्स हो जाए। सकते हैं ये हमारी इतने में आ जाएगी, तो हम ये इसको छुपाते हैं पहले। काट देना है, तो यहाँ ये काट देना है। जैसे हमको इधर चिपकानी है, इतना गैप बीच में रखना जितने हमें चेन आ जाए। ऐसे हमको ये इधर चिपकानी है, ले सकते हैं।
जो हमको उसके बीच में से काट देना है। अब हमको इसमें ही फोल्ड कर देना है बकरम के बराबर से। हमको ये जगह फोल्ड कर देना है। फिर हमको बीच सेंटर में से काटेंगे, साबित लगाएंगे तो हम इसका बराबर करके ऐसी है, हमको इधर फोल्ड कर देना है और कैसे में निशान लगाना है, फोल्ड करने में आसानी है। ये मैं फोल्ड कर देना है हुक्म के बराबर से ही। इधर फोल्ड कर दिया। अब हमको हाथ बात हमारा हो चुका है सर, यही हमको यहाँ रख देना है, हमको ताबीज काट देना है हाथ बात। ताबीज जो हमको रखना है 12 इंच तैयार रखना है माइट आके के, तो हमको 2 इंच से कम रखना है। हमको यहाँ से 10 इंची का ताबीज काटना है। दस इंची का ताबीज काटना है। हमको ये 20 सेंटर में से काट देना, थोड़ा बटन टेक जो हमारा बटन टेक हमको थोड़ा ज्यादा काटना है, 5 पट्टी तरफ कम काटना है। हमारे सेंटर है बिल्कुल, हमको ये एक पैर ज्यादा काटना है बटन टेक के लिए। बटन टेक में से पूरा कपड़ा अंदर करेंगे, हमारे मार्क ये मार्क हमको यहाँ ये लगा देंगे, मुस्लिम को यहाँ काट लेना है। ये हमारा बटन टेक आ जाएगा, पल्ले हमारे जैसे आ जाएंगे उसका हमारा चेन आ जाएगी। तो ये हमारी आस्तीन है, आस्तीन को हमको चाक पट्टी काटनी है। चाक पट्टी आप तब भी लगा में पीछे कैसे में लगती है, देख सकते हैं हमारा कट्टा है एक तरफ, ये आगे कैसा है हमारा पीछे कैसा है। तो हमको ये इधर फोल्ड करना है पहले, ये अभी अभी आगे का है हमारा, ये पीछे कैसा ही आ गया। तो ये पीछे के 2 पल्ले लेकर उसको 4.5 इंच पर ताकि बांधनी है, दो सूत्र में मान चले 4.5 पे काट देना है। ये हमारे इधर बटन टेक लगेगा इसका चाक पट्टी का, हमारी आस्तीन आ गई। तो शुरू करते हैं इसके।